हेलो एवरीवन, हम लोग मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन में हम लोग ने जस्ट प्रीवियस लेक्चर पे बेसिक ऑफ एमपीईजी कंप्रेशन की बात की है, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि एमपीईजी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, इसमें हम लोग कौन सा डेटा को एनकोड करते हैं जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, रिजोल्यूशन पिक्चर का कितना होना चाहिए, YCBCR का कलर फ्रेम, मतलब कलर फ्रेम में कौन कौन से हमारे स्टैंडर्ड यूज होते हैं और उसके रिजोल्यूशंस क्या है और डिजिटल टीवी के रिजोल्यूशन क्या है, फॉर्मेट क्या है, तो ये सब हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में बात कर ली थी। और हम लोगों ने बात की थी इसके वर्जन्स के बारे में, एमपीईजी के वर्जन्स के बारे में, जिसमें मैंने बताया था 1, 2, 4, 7 एंड 21, दीज आर द वर्जन्स। और यहाँ पे क्या होता है कि इस वर्जन्स में हम लोगों ने वर्जन 1 की बात कर ली थी, एमपीईजी 1 हम लोगों ने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख लिया था इसका। आज हम लोग क्या करेंगे, एमपीईजी 2 की बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एमपीईजी 2। तो एमपीईजी 2 में क्या होता है, कंप्रेस ऑडियो एंड वीडियो ऑफ एमपीईजी 1 रिजोल्यूशन। अभी हम लोगों ने एमपीईजी 1 पे जब बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, तो हम लोगों ने जाना था कि इसमें क्या होता है, ऑडियो और वीडियो क्या करता है, स्टोर करता है और ट्रांसमिट करता है किसमें, एमपीईजी 1 में। ठीक, और एमपीईजी 2 क्या करता है, इसी के ऑडियो और वीडियो की रिजोल्यूशन को क्या करता है, कंप्रेस कराता है। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, प्रोवाइड बेटर ट्रांसमिशन बाय करेक्टिंग बैंडविड्थ और बाय रिड्यूसिंग द बैंडविड्थ। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे यूजफुल लिखा है तो यूजफुल की जगह यूजफुल ना रख के बेटर लिखिएगा, क्योंकि बेटर ज्यादा अच्छा वर्ड सूट करेगा यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब हम ट्रांसमिशन करते हैं सेंडर से रिसीवर की तरफ, तो क्या होता है, हमको बैंडविड्थ होती है हमारी, तो उसमें क्या होती है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसमें ट्रांसमिशन किसका देखते हैं, बिट पर सेकेंड का देखते हैं। ठीक, तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बैंडविड्थ को रिड्यूस करा देते हैं, मतलब लोअर हमारी अगर बिट रेट होता है और ट्रांसमिशन होता है हमारा फास्ट हो जाता है। ठीक, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमको क्या प्रोवाइड कराता है, बेटर ट्रांसमिशन। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, ऑप्टिमाइजिंग रिजोल्यूशन एंड बैंडविड्थ। अब यहाँ पे क्या, और ऑप्टिमाइज करा रहा है हमारा रिजोल्यूशन को भी और बैंडविड्थ को भी, कैसे, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस कराते हैं बैंडविड्थ को, इसीलिए यही पॉइंट को यहाँ पे और मतलब लिख दिया गया है कि ऑप्टिमाइजिंग रिजोल्यूशन एंड बैंडविड्थ, दोनों को क्या करता है, ऑप्टिमाइज करा देता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एमपीईजी 2 इज एक्सटेंशन ऑफ एमपीईजी 1। अभी मैंने बताया कि जो एमपीईजी 2 होगा वो जाहिर सी बात है जो क्वालिटी एमपीईजी 1 में होगा वो तो अपने में रखेगा, बेटर क्वालिटी, और जो उसके डिसएडवांटेज जो होंगे उसको क्या करेगा, इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करेगा। एमपीईजी 2 में क्या होगा, इसका इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, इज द एक्सटेंशन ऑफ एमपीईजी 1। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोवाइड मल्टीपल टूल्स फॉर वीडियो ऑडियो कंप्रेशन। यहाँ पे क्या होते हैं कि एक से ज्यादा, जब हम लोग यहाँ पे मल्टीपल टूल्स बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है, जब हम कंप्रेशन कराते हैं ऑडियो या वीडियो का, तो उससे कई सारे मल्टीपल टूल्स प्रेजेंट होते हैं कंप्रेशन कराने के लिए एमपीईजी 2 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूज मल्टी चैनल ऑडियो कोडिंग फॉर एनकोडिंग। यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल चैनल्स होती हैं, चैनल्स मैंने बताया था जिसके थ्रू सिग्नल्स पास होते हैं हमारे, उसी को क्या बोलते हैं, चैनल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक से ज्यादा यहाँ पे क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, ऑडियो को एनकोड करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वॉज नॉट मच पॉपुलर, मतलब जो हमारा एमपीईजी था बाद में क्या हुआ, ये रिजेक्ट कर दिया गया था। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था। ठीक है, सेकेंड वर्जन इसका इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके बाद हमारा क्या बना था, एमपीईजी 4 बना था। ठीक, चलिए इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं एमपीईजी 2 के। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं एमपीईजी 2 के क्या है, डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क होती है, डीवीबी डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्ट, मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिजिटल वीडियो होता है उसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए यूज होता है, और डीवीबी इसका सेकेंड वर्जन आया था S2, मतलब ये क्या होता है, डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट सेकेंड जनरेशन। ये क्या इसकी जस्ट क्या है, इसका एक सेकेंड वर्जन है डीवीबी का, ये डीवीबी S2 इसका जस्ट सेकेंड वर्जन है। ये आपके एग्जाम्पल है एमपीईजी 2 के। ठीक, चलिए अब हम लोग थोड़ा एमपीईजी 4 के बारे में भी देख लेते हैं कि क्या होता है एमपीईजी 4 हमारा।
MPEG 4 फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, जो हम लोग फोन पे जो भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन यूज करते हैं उसके जो भी नीड्स होते हैं वो कौन फुलफिल करता है, हमारा MPEG 4, जो कि हमारा MPEG ना 1 कर पाता था ना 2 कर पाता था, ठीक है। MPEG 4 ने ही हमारी आके रिक्वायरमेंट जो हमारी थी उसको फुलफिल की है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन की। चलिए ये हमने पॉइंट डाल रखा है, इसमें समझते हैं सिस्टम। इसके सिस्टम में क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग होती है, सिंक्रोनाइजेशन होता है, बफर मैनेजमेंट होता है, एज वेल एज इंटरेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड स्पेसिफाइड विजुअल डिस्क्रिप्शन होता है। इसमें ये सारी चीजें होती हैं जो क्या की गए सिस्टम क्या करता है, इसको मैनेज करता है और प्रोटेक्ट करता है। जो भी अबर ये हम लोग ने डिस्क्राइब किया इसको क्या करता है, मैनेज करता है और प्रोटेक्ट कराता है वायरस से, ठीक है सिस्टम में। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, विजुअल। विजुअल का क्या मतलब है, विजुअल का मतलब यहाँ पे वीडियो से है, ठीक है। मतलब विजुअली हम क्या करते हैं, वीडियो को देखते हैं ना, इसलिए यहाँ पे विजुअल से मतलब है वीडियो। तो आप चाहे तो यहाँ पे विजुअल लिखिए चाहे तो वीडियो लिखिए। यहाँ पे क्या बता रहा है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल विजुअल्स आर कोडेड थ्रू MPEG 4। यहाँ पे क्या होता है, जो आपके नेचुरल भी हो सकते हैं आर्टिफिशियल वीडियोज भी हो सकते हैं, उसे क्या करता है ये कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कराता है MPEG 4, ठीक। ऑडियो में क्या होता है हमारा, ये भी क्या करता है, हमारे नेचुरल या आर्टिफिशियल ऑडियो को क्या कराता है, कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कराता है या एनकोड कराता है थ्रू MPEG 4, ठीक। नेक्स्ट क्या है, कन्फर्मेंस या कंप्लायंस टेस्टिंग। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी किसी भी डिवाइस की बिट स्ट्रीम्स होती हैं उसको क्या करता है, चेक करता है और उसकी जो भी जिस सर्कमस्टांसेस में वो प्रेजेंट होता है या जिस सिचुएशन में वो प्रेजेंट होता है उसको क्या करता है, कंफर्मेशन देता है कि वो चीज वहां पे वर्क कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो यही लिखा है, बिट स्ट्रीम इन डिवाइसेस आर चेक्ड और डू कंफर्मेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस, देयरफॉर MPEG 4 आर इम्प्लीमेंटेड फॉर टेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, MPEG का काम क्या है, यहाँ पे टेस्टिंग का काम है। जो भी यहाँ पे MPEG 4 में इम्प्लीमेंट किया जाता है उसको टेस्ट करता है कौन, कन्फर्मेंस टेस्टिंग, ठीक है। इसके दो नाम है, आप कोई भी नाम याद कर सकते हैं या दोनों ही कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्या है हमारा, क्या है डिलीवरी मीडिया इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। इसमें क्या है, DMIF भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। इसमें क्या होता है, जो हमारी सेशन प्रोटोकॉल होती है, सेशन प्रोटोकॉल आपने जानते होंगे क्या होता है। सेशन प्रोटोकॉल में क्या होता है, जो हमारी सेशन लेयर होती है उसमें सेशन प्रोटोकॉल वर्क करता है हमारा, जो हम लोगों को क्या प्रोवाइड कराता है, एक तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, जिसमें हम लोग ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग होता है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, DMIF में क्या होता है, सेशन प्रोटोकॉल इज यूज फॉर मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग। पॉइंट हमारा, MPEG 4 इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मतलब जो हम MPEG 4 हम लोग ये यूज करते हैं, वर्जन यूज करते हैं, जो ये क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डेटा रेट्स आर लो इन MPEG 4। यहाँ पे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे क्या करता है, जो हमारा जो भी डेटा होता है उसको डेटा रेट्स उसकी कम करता है ताकि हमारी फ्रीक्वेंसी इंप्रूव हो सके और बैंडविड्थ कम की जा सके और ट्रांसमिशन हो सके MPEG 4 में। इसलिए यहाँ पे भी क्या होता है, डेटा रेट्स कम किए जाते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, रिजोल्यूशन को ऑप्टिमाइज नहीं करा जाता, यहाँ पे जो रिजोल्यूशन वीडियो की होती है वो क्या होती है, बेटर ही होती है, मतलब हाई ही होती है रिजोल्यूशन। तो देखिये नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है, हाई रिजोल्यूशन वीडियो आर प्रोवाइडेड विद लो डेटा रेट्स एज वेल एज इन लो फाइल साइज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। यहाँ पे क्या होता है हमारा, एक तो यहाँ पे जो डेटा रेट्स होते हैं वो लो किए जाते हैं MPEG 4 में, और यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा रिजोल्यूशन होता है वो हाई रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाई रिजोल्यूशन वीडियोज आर प्रोवाइडेड। यहाँ पे क्या होता है, हाई रिजोल्यूशन वीडियो प्रोवाइड किया जाता है और लो डेटा रेट्स होता है, और जो हमारी फाइल्स होती है वो स्मॉल साइज की होती है, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारे MPEG 4 के एग्जाम्पल्स क्या है, ऑडियो बुक हो गया, पॉडकास्ट हो गया, रिंगटोन ऑन आईफोन्स हो गया, एंड अदर मोबाइल यूज वेरिएशन ऑफ MP4 फॉर्मेट। यहाँ पे MP4 फॉर्मेट की अदर मतलब रिंगटोन्स अदर मोबाइल क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं MPEG 7 क्या होता है। MPEG 7 में क्या होता है, मेक सर्च ऑन वेब easier like searching of text on internet। मतलब ये क्या करता है, MPEG 7 का काम क्या होता है, जो हम लोग जैसे कोई भी सर्च इंजन में हम लोग कोई भी जैसे वेब सर्च कर मतलब कोई भी चीज सर्च करते हैं तो हम लोग को क्या होता है, तुरंत से वो चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। जैसे हम लोग इंटरनेट में कोई भी टेक्स्ट सर्च करते हैं तुरंत हमको मिल जाता है, वैसे ही क्या करता है, सर्चिंग ऑन वेब को क्या बनाता है, easier बनाता है।
ऑपरेट्स ऑन बोथ रियल टाइम एज वेल एज ऑन नॉन रियल टाइम. मतलब आप ऑन द स्पॉट भी इसको यूज कर सकते हैं, मतलब रियल टाइम में भी यूज कर सकते हैं और अदरवाइज उसको बाद में भी यूज कर सकते हैं, नॉन रियल टाइम में भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, दोनों में ही ये क्या कराता है, बेटर कराता है सर्चिंग हमारी. ठीक है, इम्प्रूव कराता है MPEG 7. इसका एग्जाम्पल कौन सा है MPEG 7 का, रनिंग टाइम ऑफ मूवी नोटेशन. मतलब आप जब आप कोई मूवी देख रहे होते VLC प्लेयर में या कहीं पे भी, किसी भी प्लेयर में जब आप मूवी देखते हैं तो आपको टाइम दिखाता रहता है वहां पे. ठीक है, तो वो एक एग्जाम्पल हो गया. डिजिटल लाइब्रेरी हो गई, आपने डिजिटल लाइब्रेरी की बार बार सुना होगा उसके बारे में कि डिजिटल लाइब्रेरी में क्या होता है, कई सारी किताबें आपको मिलती हैं वहां पे, ई बुक्स मिलती हैं डिजिटल लाइब्रेरी में. नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग का क्या एग्जाम्पल है, ब्रॉडकास्ट मीडिया सेलेक्शन लाइक रेडियो एंड टीवी चैनल. यहाँ पे क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है हमारा मीडिया को, मीडिया सिलेक्शन को. अब वो चाहे तो रेडियो चैनल्स भी हो सकते हैं, चाहे तो टीवी चैनल्स भी हो सकते हैं. यहाँ पे क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है कौन, MPEG 7. नेक्स्ट क्या है हमारा इसका एग्जाम्पल, मल्टीमीडिया एडिटिंग. यहाँ पे क्या होता है, मल्टीमीडिया एडिटिंग की भी हम लोगों को वो प्रोवाइड की जाती है कि मतलब हम यहाँ पे मल्टीमीडिया का एडिटिंग भी कर सकते हैं. मल्टीमीडिया में जो आप लोग HTML वगैरह पढ़ते हैं ना, जिसमें आप लोग एडिटिंग करते हैं, मतलब आपने जैसे HTML में क्या करते हैं आप, जैसे बॉडी में जो आप जो भी आप फॉर्मेट बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, फॉर्म्स बनाते हैं तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या करता है, मल्टीमीडिया एडिटिंग प्रोवाइड कराता है. सिक्योरिटी सर्विस, मतलब जैसे ऑथेंटिक, अभी मैंने बात की थी ऑथेंटिकेशन और जो आपकी ये होती है ऑथराइजेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, सिक्योरिटी मेजर तो हो गए ना, यहाँ पे और क्या करता है, सिक्योरिटी और अच्छी प्रोवाइड कराता है पासवर्ड के द्वारा. मतलब ये सब आपके सब जो नहीं होता OTP वगैरह आती है, इससे क्या करता है, सर्विस को और ज्यादा मतलब सिक्योर बनाता है हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज को. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, एजुकेशनल एंड बायोमेडिकल एप्लीकेशंस. अब आपको एप्लीकेशंस के बारे में तो पता ही होगा कि कई सारी हम लोग की बायोमेडिकल एप्लीकेशंस होती हैं और एजुकेशनल्स होती हैं एप्लीकेशंस प्रेजेंट होती हैं मोबाइल में ही. आपने देखा होगा NCERT की किताबों का आपको पूरा वो मिल जाता है, तो एप्लीकेशंस ही होती हैं वो सारी. तो ये सारा चीज क्या होता है, आपके एप्लीकेशंस होते हैं MPEG 7 के. चलिए अब हम लोग बात करते हैं MPEG 21 के बारे में. तो ये क्या प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड इंटरैक्शन विद डिजिटल आइटम्स. अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जो एनिमेशन मूवीज वगैरह देखते हैं या फिर कोई भी एक्शन मूवीज वगैरह देखते हैं हॉलीवुड की, तो उसमें देखा होगा कि ऐसे ऐसे कोई विजुअल्स आ रहे होते हैं और ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उसको हम लोग टच करते हैं, ऐसे मूव करा देते हैं उसको, या ऐसे हमारे आइकन्स आ रहे हैं. अगर किसी ने आयरन मैन देखी होगी तो आयरन मैन की मूवी में उसमें एनिमेशन का बहुत काम होता है कि वो ऐसे पकड़ता है, ऐसे ऐसे कंटेंट आ रहे होते हैं, वो ऐसे करता है, स्वैप कर देता है ऐसे करके, तो वो स्वैप हो जाती है. वो सारे क्या होते हैं, आपके डिजिटल आइटम्स होते हैं. आप उससे क्या करते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं, डिजिटल आइटम से इंटरेक्ट कर पाते हैं. तो यही चीज बताई गई है कि ये जो आपका 21 वर्जन होता है ये फ्यूचरिस्टिक वर्जन है आपका. तो यहाँ पे क्या है, प्रोवाइड इंटरेक्शन विद डिजिटल आइटम्स. नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड मच मोर सिक्योरिटी इन डिजिटल वर्ल्ड. अब जाहिर सी बात है जब हम इंटरेक्ट करते हैं आइटम से तो उसमें अगर हम लोग कोई फाइल्स या कुछ भी रखेंगे तो उसको हम लोग को हमेशा से क्या होगा, हम लोग की सिक्योरिटी इशू रहती है. तो हम लोग को हमेशा से क्या करना पड़ता है, जो भी हमारी फाइल्स होती है उसको और बेटर या कोई भी वर्जन होता है उसको सिक्योरिटी लेवल पे और अच्छा बनाना पड़ता है. तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी हमको मिलती है वो मच मोर सिक्योर होती है एज कम्पेयर टू MPEG 7. ठीक है, जो MPEG 21 में हम लोग को जो सिक्योरिटी मिलती है वो ज्यादा होती है. ठीक, प्रोवाइड डिजिटल राइट मैनेजमेंट. डिजिटल राइट कुछ होता है, जैसे डिजिटल राइट्स क्या होते हैं हमारे, जैसे ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन ये सब क्या होते हैं, राइट्स होते हैं कि अगर आपने ये अगर आप उस चीज को लीगली आप हैंड लीगली आप उसके मतलब ओनर हैं तो ही आप उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं यूज कर सकते. तो उसी टाइप का ये क्या होता है, प्रोवाइड डिजिटल मैनेजमेंट, राइट्स मैनेजमेंट. ठीक है, राइट्स इसका मतलब होता है. चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग MPEG 21 के, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स विद राइट टू एक्सेस. अब जैसे आपके जो रिकॉर्ड्स होते हैं तो आप अपने ही रिकॉर्ड्स खाली देख पाते होंगे, जब आप भी अपने नंबर देखने जाते हैं तो आपका राइट्स होता होगा तो वो आप ही देख पाते हैं ना, कोई और तो देख नहीं पाता. उसमें रोल नंबर डालना होता है, कुछ पासवर्ड वगैरह डालना होता है. तो ये क्या होता है, जो डेटा रिकॉर्ड्स होते हैं खाली ये क्या करते हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स विद राइट टू एक्सेस को ही प्रोवाइड कराता है. नेक्स्ट क्या होता है, कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर फॉर डाउनलोड. जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो उसमें लाइसेंस मांगता है कि ओनली अगर आप लाइसेंस उसका होल्ड करते हैं तो ही आप उसको क्या कर सकते हैं,
डाउनलोड कर सकते हैं, उसको रन करा सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं, उसका क्रैक्ड वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं ना। तो लीगली क्या होता है कि हम लोग के पास उसका लाइसेंस प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्या है, कैंपस टूर विद मल्टीमीडिया एंड मल्टीमीडिया लैंग्वेज साउंड ट्रैक। अब देखा होगा आप लोगों ने कि जो फॉरेन में जो आपके म्यूजियम वगैरह बने रहते हैं तो उसमें क्या होता है, एक साउंड ट्रैक चलता रहता है। वो उसके जो भी उसके अंदर होता है, म्यूजियम के अंदर होता है, उसके बारे में कोई ना कोई चीज बताया करती है। तो ये क्या होता है, मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है और साउंड ट्रैक्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, होप आपको ये अब सारे MPEG के सारे वर्जन आपको समझ में आ गए हों। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।